सभी शिक्षक साथियों का सरकारी स्कूल टैलेंट में स्वागत है, जो कि आपका यूट्यूब चैनल है और हम इसमें आप सभी लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो लेके आते रहते हैं। आज हम मॉडल 3 के प्रश्न और उत्तर हम बताएंगे आप लोगों को। निष्ठा प्रशिक्षण 3 जो चल रहा है, तीनों की लिंक आ चुकी हैं। अगर नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग वहाँ से क्लिक करके उन निष्ठा के क्वेश्चनों को आप लोग लिंक के माध्यम से मॉडल तक पहुँच सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे भी आप लोगों को डायरेक्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस ट्रेनिंग को करने से पहले एक बार अपना विशेष ध्यान दे चेक कर लीजिएगा, क्या आपका दीक्षा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल से अटैचमेंट हो पाया कि नहीं हो पाया। नहीं हुआ है तो कर लीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेनिंग करना, क्योंकि वो आपकी ई प्रोफाइल में जुड़ नहीं पाएगी। नहीं तो ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉडल 3 के प्रश्न उत्तर की बात करेंगे और सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो और कंडीशन इसकी क्या है कि 60% नंबर लाना जो ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग फेल माने जाओगे। तो प्रश्न उत्तर जरूर एक बार देखिए, पूरे के पूरे सही आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है 10 क्वेश्चन का होता है और 10 में से 10 मार्क्स लाना, मतलब 10 में से 6 मार्क्स लाना यहाँ पर कंपलसरी है, क्योंकि 10 में से 6 आएंगे तभी आपका 60% बन पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग फेल या पास की कैटेगरी में आप डिसाइड कर सकते हैं। और चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इस बार मॉडल्स में, और जिससे कि आप सभी लोगों की हेल्प हो पाएगी। सो गाइज, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो मॉडल्स में आया है 3 वाले में, तो वो को पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है। तो मुख्यतः घरेलू हिंसा क्या होती है? ऑप्शन है गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊपर के दोनों में। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि घरेलू हिंसा जो होती है वो किसी कहीं पर भी हो सकती है, गरीब में, अमीर में या फिर कुलीन में, तो ये हर जगह संभव है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस आसन को पहचाने, मतलब जो आसन आप लोगों को दिखाई दे रहा है उस आसन को आपको पहचानना है। कौन सा आसन है? भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो यहाँ पर देखिए कि जो बच्चा आपको लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो बच्चा है वो हाथों को नीचे करके और सिर उठा के हुआ है, तो इसलिए इसका भुजंगासन इसको बोला जाता है। तो ये कौन सा है? भुजंगासन बच्चा कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया भुजंगासन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सभी भावनाएँ। तो सभी भावनाओं में ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के लिए, व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए, अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? इसका राइट आंसर है व्यक्त की जानी चाहिए, क्योंकि सभी भावनाएं अपनी व्यक्त करता है, तो उसका जो भी सोचने का तरीका है वो सभी लोगों को पता चल पाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो होगा व्यक्त की जानी चाहिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में मैं आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊं, आपकी हेल्प कर पाऊं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस आसन में बाहें ऊपर की ओर और खींची होती हुई, मतलब जो आसन में जो अपनी आर्म है वो ऊपर की ओर खींची होती हैं। हस्तासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो देखो हाथ ऊपर खींच रहे हैं, मतलब हाथों का बात आ रही है, तो हस्तोत्तानासन, तो ये हाथों का ज़्यादा हस्त से हाथ हो गया, तो यहाँ से ये वाला राइट ऑप्शन हो जाता है। ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं, तो ये हस्तासन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश, या वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, विटामिन और खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट। सो गाइस, ये तो चैप्टर भी है, तो इससे सभी लोगों ने पढ़ाया भी होगा। तो संतुलित भोजन होता है जिसमें कि हर चीज़ प्रॉपर मात्रा में मिल जाए, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है सही वो है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश हो, मतलब इन सारी चीज़ों की रहेगी तो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए राइट आंसर ए वाला हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पीने का पानी और भूकंप,
अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर में आक्रमण, टूटी हुई और कोई बाउंड्री नहीं होना, इनमें से कोई नहीं। सो गाइज, स्कूल सुरक्षा स्वच्छता में क्या नहीं आता है, तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आती है, सारी चीज़ें ये चीज़ होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है, तो व्यायाम, योग, टीवी का व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो देखो, शारीरिक व्यायाम है, फिजिकल में आप कर रहे हैं तो व्यायाम भी आता है, योग भी आता है। योग सिंपल आप लोग बच्चों को कराते हैं, घरेलू ही शारीरिक गतिविधियाँ जो भी घर के काम होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन टीवी पर व्यायाम देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था इसलिए ये वाला राइट आंसर हो जाता है टीवी पर व्यायाम देखना, क्योंकि टीवी पर व्यायाम देखने से आप लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन है हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वास्थ्य होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर पहला है कि हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। जो प्रकृति की तरफ से परिवर्तन होते हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है शारीरिक शिक्षा में किन का समावेशन किया जा सकता है, तो केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, केवल भाषा और विज्ञान का, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का, या सभी का। तो देखो, शारीरिक शिक्षा में समीकरण, मतलब शारीरिक शिक्षा में समीकरण है वो इन सभी चीज़ों को मिला के होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो इसका सभी हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोगों में क्या क्या शामिल है, तो यहाँ पर क्या क्या शामिल है, तो साइबर बदमाशी या अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियत रूप से अपडेट करना। मतलब जो क्या क्या शामिल है, तो मतलब शामिल सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण जो विवरण है वो साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी फ्रॉड हो जाता है, तो इसलिए ये वाली चीज़ यहाँ पर गलत है। राइट आंसर हो गया आपका सोशल मीडिया पर व्यक्ति विवरण साझा नहीं करना। सो गाइज, अब देख सकते हैं आप लोगों, हम लोगों ने यहाँ पर 10/10 ऑफ 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और 10 के आंसर भी दिए और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, छूटा नहीं है हमसे। अब फाइनली आप लोग सबमिट पे बटन दबाएंगे, सबमिट पे वैसे ही बटन दबाएंगे तो आप लोगों का जो स्कोर होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर स्कोर इज 10/10, तो 10/10 आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपका 10/6 से कम आता है तो उस स्थिति में आप जो रेडो ऑप्शन है, रेडो ऑप्शन पर दबा के दोबारा से पेपर फिल कर सकते हैं, वो आपका ऐड हो जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, तो मॉडल 3 के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी के आंसर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो सारे के सारे जो भी ट्रेनिंग आएंगे उन लोगों, उन ट्रेनिंगों के भी क्वेश्चन आंसर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, और किस तरीके से आपको लिंक मिलनी है तो वो भी हम लोग करा देंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के क्वेश्चन आंसरों के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।